समय है वो पूरा हो चुका है। आपसे कुछ ही मिनटों बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे और इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर करीब 3 घंटे तक ये जो शोभा यात्रा है ये अयोध्या के मुख्य मार्ग पर होकर लता मंगेशकर चौक पर पहुंचेगी और वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे और उसके बाद जो राज्याभिषेक का कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हेलीकॉप्टर से जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचेंगे तब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके रथ को खींचते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंच चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या क्या आई 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 अभी 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 एक मिनट लाइव है सर, क्या क्या होता है आज राम मंदिर के 500 सालों के लंबे त्याग तपस्या बलिदानों के बाद ये पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम है मंदिर निर्माण के बाद का, जिसकी भव्यता दिव्यता अलौकिकता को एक नया आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है। आज दो दो नए कीर्तिमान बनने वाले हैं। हालांकि हम लोग दीपों की संख्या में हर साल अपना कीर्तिमान बनाते हैं और अपना ही कीर्तिमान तोड़ के नया कीर्तिमान हर साल बना रहे हैं। इस साल वो भी तोड़ेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग इस बार लाइट एंड साउंड का, लेजर शो का, ड्रोन शो के साथ साथ एक मंच पर सरयू जी के जल के ऊपर मंच बना के उसका लाइव में जो कलाकार हैं पूरे देश के संस्कृति के आए हुए हैं वो लाइव तरीके से भी अपना प्रस्तुतिकरण कलाकार देने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक नया कीर्तिमान इस बार और स्थापित होगा कि 1100 वेदाचार्यों के द्वारा सरयू के तट पर आरती का एक साथ आयोजन होगा जो दुनिया में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम होगा। ये दो दो नए कीर्तिमान बनेंगे दीपों की संख्या को लेकर और एक साथ 11 से वेदाचार्यों के द्वारा आरती करने का ये नया कीर्तिमान बनेगा। साथ ही साथ विदेशों के तमाम कलाकारों के द्वारा रामलीला का प्रस्तुतिकरण और अन्य कार्यक्रम भी पिछले वर्ष से ज़्यादा भव्यता दिव्यता अलौकिकता का स्वरूप देने का काम कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इसके साक्षी बनेंगे हमारे प्रदेश के SRB माननीय मुख्यमंत्री जी, साक्षी बनेंगे भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे दोनों डिप्टी CM भी रहने वाले हैं और अन्य तमाम हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, संतगण और अन्य अन्य तमाम देश और दुनिया के विभिन्न विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन करके अयोध्या की इस पावन भगवान श्री राम जी की धरती से एक नया सनातन संस्कृति का संदेश देने का काम करेंगे। आज उसकी शुरुआत अभी शोभा यात्रा के शुभारंभ से किया रही है। जो शोभा यात्रा यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं इसी स्थान से आरंभ होगी और ये रामघाट तक पहुँच करके ये पूरे शहर का भ्रमण करती हुई जाएगी। इसकी भी आज तमाम स्वरूपों में भव्यता दिव्यता देने का प्रयास किया गया।